तो अभी मैं हूँ गर्तांग गली में और मैं आपको सामने दिखाता हूँ। यहाँ से आपको जाना है और यहाँ पर आपको टिकट मिलेगा। 1 पर्सन का 150 टिकट है। तो अगर आप गंगोत्री वाले ट्रिप पे हो तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। तो कुछ इस तरीके का ट्रैक आपको करना पड़ेगा। यहाँ का जो मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है वो है यहाँ की वुडन स्टेयर्स, जो कि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको 2.5 से 3 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा और कुछ इस तरीके के नज़ारे आपको देखने को मिले। गर्तांग गली जाते हुए आप इन नियमों का पालन जरूर करें और ये आप पढ़ लें क्या इसमें लिखा हुआ है। तो गर्तांग गली के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो गर्तांग गली जो था वो इंडिया एंड चाइना के बीच एक ट्रेड रूट था। तो पहले यहाँ से मतलब व्यापार होता था इस रूट से, बट जब इंडो चाइना वॉर हुआ 1962 के आसपास, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया और फिर काफ़ी सालों बाद यानी कि ऑलमोस्ट 50 ईयर्स के बाद इसे ओपन कर दिया गया ताकि यहाँ पर टूरिस्ट लोग आ सकें और देख सकें। जो वुडन स्टेयर है वो आपको दिखाऊंगा, काफ़ी अच्छा है, मैंने भी सिर्फ फ़ोटो में देखा है, तो मेरा भी पहली बार ही फर्स्ट टाइम विजिट रहेगा यहाँ पर। और अभी आपको चढ़ाई देखने को मिल रही होगी। तो फाइनली इतना चलने के बाद जिन वुडन स्टेयर की मैं बात कर रहा था वो हमें मिल चुकी है और यहाँ से अब ये वुडन स्टेयर आपकी स्टार्ट हो जाती है और नीचे 100-150 मीटर तक ये है। तो चलिए आपको अब आगे का जो वुडन स्टेयर है उसका नज़ारा दिखाता हूँ। ये पूरे नीचे तक आपको वुडन स्टेयर देखने को मिलेंगी और सामने नदी और इस तरीके की पहाड़ियाँ हैं। वन टाइम विजिट के लिए बढ़िया है और देखने लायक जगह है। अगर आप गंगोत्री की तरफ आओ तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस प्लेस पे ज़रूर आएं। तो ये थी गर्तांग गली और यहाँ पर इसका एंड पॉइंट है, यानी कि इससे आगे आप नहीं जा पाओगे क्योंकि यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है इसके बाद। तो आप मुझे वीडियो में ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगा गर्तांग गली, और मुझे बहुत मज़ा आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप अगर आओगे तो मस्ट विजिट प्लेस है, तो आप ज़रूर आएँ और इस चीज़ को ज़रूर देखें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों किसी नई जगह, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।